आपके द्वारा दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन दैट स्कैप वेलोसिटी, स्कैप वेलोसिटी हालांकि अभी आएगा सैटेलाइट मोशन में, पर स्कैप का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से फेंक दें कि वो गैरसन फील्ड से बाहर चला जाए, लौट के ना आए। ये लिखाया जाएगा जब इसके लेक्चर चलेगा, तो इतनी जरूरत यहाँ पे है। प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। जब हम MGH पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचते थे, MGH, तो ये बात सही थी कि H जितना ज़्यादा करोगे, जितना ऊपर उठाओगे, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी सेम सिद्धांत लागू होता है। अर्थ से दूर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ही। अब आप कहोगे कैसे? फॉर्मूला होता है GmmR। जैसे अर्थ से दूर जाओगे तो R बढ़ेगा तो घटेगा? अरे घटेगा, माइनस में घटेगा। माइनस में चार से माइनस में तीन, माइनस दो, माइनस एक, माइनस में घटता जा रहा, अर्थात बढ़ता जा रहा, फिर जीरो भी आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। ओके, हाफ एम वी ई स्क्वायर, वी ई जिससे फेंकते ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चल जाएगा, जहां जी पी ई जीरो हो जाएगी, माइनस में ना बढ़ते 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 जीरो हो जाएगी। इतनी एनर्जी अगर हम उसको दे दें तो पार निकल गया। पर वो कह रहा है कि अगर इससे डबल स्पीड से फेंकते तो हाफ एम वी स्क्वायर वी ट्वाइस वी, इससे फेंकते इतनी एनर्जी तो इसलिए देनी पड़ रही है कि वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, बस टोटल एनर्जी जीरो दे। पर इस स्पीड से फेंकोगे, ज्यादा स्पीड से, तो इनफाइनाइट तक पहुंचने के बाद भी उसमें काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी, और ये सर्वविदित है इतनी बची रहेगी। अरे इस स्पीड से फेंका, इतनी एनर्जी थी, पर इतनी एनर्जी केवल बाहर पहुंचाने के लिए काफी थी, बाकी डिफरेंस जितनी फालतू है उसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही है। उस समय बाहर निकलने के बाद जो हाफ एम वी स्क्वायर जो रहे, ये भी निकाल दो, हाफ एम तो कॉमन आगे कट जाएगा तो वी स्क्वायर बचेगा, और हाफ एम कटने के बाद फोर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर थ्री वी स्क्वायर, वी इज टू अंडर रूट थ्री वी 1.73, और वी एस ने दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये भी किलोमीटर पर सेकेंड में आया, गुणा कर लो, दो से दो दिया छः, 17 दूनी 34, 173 673 6 7 3 9 1, एक दो तीन, एक दो तीन 19.37 का 8 पर 9.4 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हो तो गैरसन फील्ड के जस्ट पार हो पाएगी, कोई एनर्जी नहीं बचेगी। पर अगर आप 19.38 किलोमीटर पर सेकंड किस से फेंकते हो तो वो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड के जस्ट पार ही हो पाएगी, बस कोई एनर्जी नहीं बचेगी। परंतु आप उसकी दुगनी स्पीड से फेंकते हो, 22.4 किस पे फेंकते हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते ही वो इस स्पीड से मूव करता रहेगा। ओके, 52 two masses are there,
6.4 kg. Distance between them 0.16, तो 0.08 meter और 0.08 meter, there is a point P, a particle is there, 0.06 meter, ये सिचुएशन दे रखी है और इसके मिड पॉइंट को Q कह रखा है। ये जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, टू इक्वल मास 6.40 kg आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दिस स्मॉल बॉडी रिलीज फ्रॉम क्यू इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू मासेस कैपिटल वेलोसिटी ऑफ विद विच पासेस थ्रू क्यू। जैसे को छोड़ देंगे तो ये दोनों से खींच रहे हैं, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है और दोनों बराबर फोर्स देंगे तो रिजल्टेंट बिच्छू भी जाएगा और जूम यहाँ किस स्पीड से पार करेगा ये निकालना। तो जीपीई का सिस्टम, जीपी टोटल एनर्जी की बात करें, आप इसको ए बी कहते हैं, ए बी ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी एट क्यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, आप क्या लिखते हो, जो पी पे है काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपीई पूरे सिस्टम की, जब सिस्टम है पी ए एक माया गया है इस समय, और यही काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपीई तब होनी चाहिए जब यहां जाएगा और सिस्टम जाएगा क्यू ए भी, सिस्टम वही है ना, ये यहां से यहां गया, चलिए जब वो यहां था तो कैंडी जीरो थे, कोई भी नहीं चल रहा था, छोड़े गया था वहां से बस, और जीपीई माइनस इसमें मानी ये मास एम मानी, तो इन दोनों का जी 6.4 m जी एम वन एम टू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना जाएगी ये देखो जरा, ये 0.8 है, ये है 0.06, ये है 0.08, ठीक, यानी रेशियो कितना जाएगा 3:4, तो 5 है जाएगा, तो ये होता है ना सोचने का तरीका, अब पाइथागोरस जो जमर्दी निकाल दो, वो तो सिंपल मेथड है, 3, 4, 5 का ये एंगल होता है ठीक है, और ये एंगल होता है 37 degrees, तो अगर 100 से गुणा कर दो, 100 से डिवाइड, तो 0.03, 0.04 और 0.05, अब दो से इंटीग्रल तीनों में 0.06, 0.08, 0.10, 0.06, 0.08, तो 0.1, नहीं तो टेंशन ना लो, पाइथागोरस से निकाल लेना, ये तो एक हाई फाई सोच होती है बस। और हाँ, ये ट्रायंगल जरूर बना ली, एक जरूर काम आ जाएगा, कहीं जाते हैं 3, 4 और 5 के रेशियो वाला ये ट्रायंगल है, रेशियो हो जाएगा, और ये होता है 37 और ये होता है 53, ओके, तो इन दोनों के जीपी निकाल रहे हैं, तो जी इसका मास इनटू इसका मास अपॉन 0.1, इसका आ गया, इसका वही आएगा, वही दो मास है वही डिस्टेंस है, तो इसका ट्वाइस कर दो और माइनस इन दोनों का, ठीक है, जीपीई ए और बी के बीच का निकालो मत, उतनी वहां पे भी तो आएगी, चलो निकाल लेना, माइनस दिस इंटू दिस जी इंटू दिस अपॉन 0.16, लिख देना, कटना तो है, यहां की बात करें जब वो यहां पे आ गया सिस्टम ये बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर, वी निकालना है और जीपीई इन दोनों की जी 6.4 इंटू एम अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम 0.08, इतनी इन दोनों की होगी, तो ऐसा कर दिया और इन दोनों की वही जो पहले ही थी माइनस जीपीई ए और बी की कट भी कहीं इतना पोर्शन तो पहले भी जब यहां पर जब भी यहीं थे जब यहां पर जब भी यहीं पर इन दोनों के बीच की जीपीई तो जो पहले थे वो बाद में रहेगी तो हटाई दो पर इस सेट की जो पहले थी अब वो यहां पर आ गया वो इसके पर टाइट अंडरस्टैंड इस तरह से आपको वी निकालना है यहां तक वी कितना हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स वही रहने दो उसको और इसको इधर ले प्लस का हो जाएगा और कॉमन ले लो 2g कॉमन और 6.4 इंटू एम 2g 6.4 एम कॉमन आ गया इधर का प्लस का बन गया तो 1/0.08 बचा और माइनस ये तो बाहर से लेगा सारा 1/0.1 एम से एम कैंसिल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the 4g वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4g 6.4 और इसका देख लो क्या करना क्या करोगे ये कर लो 100/8 50/4 25/2 12.5 माइनस 10 4g और 12.5 माइनस 2.5 6.4 और 2.5 और 2.5 चौक 10 10 से लेकर 64 इंटू 6.67 इंटू 10 एस का माइनस 11 66.7 इंटू 10 पावर एक ज्यादा एक कम कर दो माइनस 12 इसलिए स्पीड आ गई आपकी इसका हो जाएगा 8 कुछ भी 8 पॉइंट कुछ होगा और इंटू 10 पावर माइनस 6 ठीक है ये जरा इसका निकाल देना कितना आएगा ओके तो 64 पॉइंट दो 65.3 आपका आ जाएगा 65.3 10 पावर माइनस 6 6.53 इंटू एक ही ज्यादा होगा प्लस 10 पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से यहाँ से ही गुजर गुजरे कैलकुलेशन बाकी ये फंडा सोचते हैं उसके बाद उस रहा है वो एक्सेलरेशन पी पे और क्यू पे कितना होगा अगर ये मास 0.1 केजी हो दूसरा पार्ट ये था आपका पार्ट ए ये पार्ट ए था आपका ठीक है नाउ पार्ट बी पार्ट बी में वो कह रहा है कि मास है 0.1 केजी और यहां से उसको छोड़ दिया होता है एक्सेलरेशन कितना और यहां एक्सेलरेशन कितना तो देखो जी इसको एफ जो ए खींच रहा है उसको एफ ए कह दीजिए और जो बी खींच रहा है उसको एफ बी कह दीजिए ठीक है 6-8 ये एंगल 53 डिग्री आप एफ ए और एफ बी देखो लेंगे दोनों 6.4 और 0.1 के बीच में लगने वाला ये भी वही है डिस्टेंस भी वही है तो दोनों फोर्स कैसे आएंगे निकाल दीजिए जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर एम वन एम टू 0.1 6.4 एम वन एम टू अपॉन 0.1 का स्क्वायर
फटाफट जी का बाद में कर लेना, एक बटा दस या पॉइंट वन कटिया ना, एक बटा दस 64 जी आ गया, 64 जी, जी वालों रखने के बाद ये आ गया एफ भी इतना ही। तो नेट फोर्स, नेट फोर्स एट पी, एफ पी इज इक्वल टू वेक्टर थ्योरम लो, एफ ए का कॉस 53 और एफ बी का कॉस 53, ये होगा नेट फोर्स, क्योंकि साइन साइन कंपोनेंट कट जाएंगे आपस में। एफ ए का कॉस 53 प्लस उसका भी ये, तो इसका ट्रेस कर दो, तो 2 इंटू एफ ए आप निकाल चुके थे, एफ ए आर बी 64 जी और कॉस 53, कॉस 3/5, ठीक है, ये नेट फोर्स, यानी कि 2 + 6 एफ पी नेट फोर्स इस तरफ लग रहा है 2 + 6 का 5 रिवर्स ले लो, 5 × 5 5 × 2 = 10 5 × 8 = 40, ठीक है, 5 × 8 = 40 60 / 64, ठीक है, और इंटू जी, इंटू जी और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी, चलो देयरफॉर एक्सीलरेशन एट पी, जितना फोर्स लग रहा है और जितना मास लग रहा है, तो 6 × 12.8 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻¹¹ और मास था वो 0.1, ठीक है, तो एक गुना तो बनती है, ठीक, तो 6 × 8 = 48 पहले बार 10 ऊपर चुगना कर दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो नीचे बन हो गया, बस नीचे छोड़ो, तो 6 × 8 = 48 4 × 72 = 73 × 74 = 75 × 76 आ गया, पर इंटू 6.67 इंटू 10⁻¹¹, ठीक है, फास्ट गुना कर लो, 7 से कर लो पहले, 7 × 56 5 × 7 = 42 47 × 4 = 49 53, फिर 6 से कर लो, 6 × 48 4 × 6 = 36 40 × 4 = 42 46 40 × 8 6 5 15 9 11 12 1 12 1 11 5 1 2 1 2 51 22.56 इंटू 10⁻¹¹ तो 5.12 इंटू 10⁻¹ 1 2 3 कम 3 ज्यादा प्लस 3 तो माइनस के 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अंतिम भाग बड़ा ही आसान है, जो नेट फोर्स एट क्यू, जब ये क्यू पे आ गया तो ये से अपनी तरफ खींच रहा है और ये से अपनी तरफ खींच रहा है, इन दोनों का मास का प्रोडक्ट हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, डिस्टेंस हो ही, तो जितना फोर्स ये आएगा उतनी फोर्स ये भी आएगा, तो इनके आ जाएंगे आपस में कैंसिल, नेट फोर्स एट क्यू, एफ क्यू इज 0, सो एक्सेलरेशन एट क्यू एफ अपॉन एम इज 0/0.1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की पिक बना के भी मैं आपको दे सकता था, और जितनी देर में आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन किए, इतनी देर में यकीन मानो मैं कॉपी पेन लेके बैठता हूँ 10 क्वेश्चन कर सकता था, 10 से भी ज़्यादा कर सकता था। वीडियो अभी जो मैंने मिटाया गुणा करना, मैं इससे आपको रूबरू कराना चाह रहा था, मैं इस समय आपकी उम्र का ही एक स्टूडेंट का रूप धारण करके इन क्वेश्चंस को कर रहा हूं, कदाचित इसलिए कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं
इसका आपको ज्ञान मिला है। आपको लगता है कि इतनी देर मुझे लगती क्वेश्चन करने में? अब तो आप मुझे कई महीनों से जान भी चुके हो, तो वीडियो बनाने का मेरे उद्देश्य जाने, बच्चों की तरह सॉल्व करने का मेरा लक्ष्य जाने। मेरा लक्ष्य क्या है ऐसा करने के लिए? एक ही लक्ष्य है, केवल एक लक्ष्य, आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हों और न्यूमेरिकल्स में पूरी जी जान लगा दें, और आप इस बात में कॉन्फिडेंट हो कि हम हर प्रकार का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जय हिंद।